क्या आपकी फीलिंग है जब इंडिया टीम इंडिया में पहुंचे? मेरी सोच में तो ये है पूरे इंडिया को छुट्टी होगी उस दिन जब इंडिया वर्ल्ड कप लेके जाएगा, रोहित शर्मा जब वर्ल्ड कप लेके जाएगा ना इंडिया में, पूरे इंडिया को छुट्टी होगी सबको, ठीक है? क्योंकि एयरपोर्ट पे इतने बंदे यार उनके इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे जब वो अपने मुल्क वापस जाएंगे, इतना कि यार उनको मजा आएगा, इतना जिंदगी में नहीं यार उनको मजा आया होगा। वर्ल्ड कप लेके जाना कोई छोटी बात नहीं है, रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ी बात है भाई, वर्ल्ड कप है उसका नाम, ठीक है? वो उसने लेके जाना है जब अपनी धरती पे, तो उसका मुल्क क्या है उसको हर बंदा सलूट करेगा यार। जैसे एमएस धोनी को किया था, याद होगा आपको, एमएस धोनी का इस्तकबाल में लेके गया था वर्ल्ड कप, जिस जैसा उसका इस्तकबाल हुआ था इससे अच्छा रोहित शर्मा का इस्तकबाल। हिस्ट्री क्रिएट होगी कि पाकिस्तान गई थी इंडिया और मर के वापस आई है, और हिस्ट्री एक और रिपीट होगी कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडिया पाकिस्तान आई और पाकिस्तान को शिकस्त देकर गई है। डूब के मर जाना चाहिए पाकिस्तान की टीम का। ये लोग क्या वर्ल्ड 11 क्या, ये लोग अपने मुल्क के अंदर भी रहना डिजर्व नहीं करते, जिस तरह इन लोगों ने हमारी नाक रगड़ने वाली परफॉर्मेंस के कही है पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। प्लेयर्स कम है भाई, सीधी साफ बात है, 7 प्लेयर्स कम है। आईसीसी को शर्म आनी चाहिए कि भाई 7 प्लेयरों का नाम क्यों लिया, 11 प्लेयर क्यों नहीं लिए? रिजर्व के अंदर भी 3 प्लेयर और हो जाते तो 15 प्लेयर या 4 प्लेयर रिजर्व के अंदर रख लेते तो बीसीसीआई की ही ये हो जानी थी टीम ऑफ द ईयर। यार जो टीम डिजर्व करती है, जो नाम डिजर्व करता है, वो वाकई आईसीसी ने बताया कि भाई डिजर्व करते हैं। और ये पाकिस्तान के साथ पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि वर्ल्ड कप के अंदर ये लोग नहीं आए, रैंकिंग के अंदर नहीं आए, या ना फिर टीम ऑफ द ईयर के नहीं आए। और भाई पाकिस्तान की टीम का तो प्लेयर ओडीआई वर्ल्ड कप में भी नहीं आए थे, जिस तरह की ये लोग घटिया परफॉर्मेंस करता है। पर ये एज एक्सपेक्टेड है, इंडिया के 7 प्लेयर हैं, इंडिया ने टूर्नामेंट जीता है और थ्रू आउट जीता, क्लीन स्वीप किया इंडिया ने बेसिकली, विदाउट लूजिंग अ सिंगल मैच क्लीन स्वीप करके वो वर्ल्ड कप जीत गए हैं। तो 7 प्लेयर्स उनके होना ये तो एज एक्सपेक्टेड है। और पाकिस्तान की तो बात ही ना करें, पाकिस्तान ने क्या परफॉर्मेंस दी है जिसकी बेस पे हम कहें कि उनका एक प्लेयर भी हो। आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, 2 प्लेयर उनका गुरबाज है, वो साथ ओपनिंग पार्टनरशिप में आया साथ उसके रोहित शर्मा के, और क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान को वो सिंगल हैंडेडली सेमीफाइनल तक लेके गया है वो गुरबाज, उसकी एक परफॉर्मेंस है। इस तरीके से बात कर रहे हैं यूएसए की, यूएसए की टीम ने बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेली है, उन्होंने पाकिस्तान को हराया है, वो क्वालिफाइड खेल के खेलते आए हैं, उसके अलावा बड़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है, तो जिसकी वजह से उनके प्लेयर्स उनके हैं उस वर्ल्ड कप टीम में है। पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर नहीं है, उसकी सिंपल वजह यह है कि हमारे पास कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं रही, ना बॉलर्स की ना बैट्समैन की। बाबर की भी नहीं रही, बाबर भी नहीं आया। बाबर आजम ने कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दी सर, आप 50s कर लें आप 60s कर लें, लेकिन अगर आपकी क्रूशियल मोमेंट्स पे अगर आपके 20s भी करनी है आपने नहीं ना किए तो वो कोई फायदा नहीं है। अब इंडिया वाला मैच था उसमें आपने कितना करना था, उसमें आपने अच्छा 30 स्कोर देना था बस। अब रिजवान ने 30 दिया लेकिन रिजवान ने 40 प्लस बॉल्स खेल गया उसमें, एक आध ओवर और खेल लो भाई आप, आपने वो थोड़ा लंबा कर जो, लेकिन मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस जब तक नहीं ना आएंगी तो कोई फायदा नहीं, फिर आप उस टीम में नहीं आ सकते। बिल्कुल, विराट कोहली में आपको याद होगा जैसे फाइनल के अंदर आगे विराट कोहली खड़ा रहा है, रोहित शर्मा आउट हुआ, विराट कोहली ने 6 बॉलों के अंदर 76 स्कोर किया, तो देखो ना कोहली ने खेल के बताया ना। अरे वो देखें, वो चैंपियन प्लेयर है, उसने बड़े ओकेजन पे बड़े स्टेटअप पे जाके उसने परफॉर्मेंस दी है, वो थ्रू आउट टूर्नामेंट नहीं परफॉर्म कर रहा था लेकिन उसको कैरी किया गया, उसने ओपनिंग स्लॉट पे दिया गया, उसको वन डाउन नहीं किया गया, उसने ओपनिंग रहा है, और बड़े मैच में बड़े दिन में जाके उसने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है ना मैच रहा है उसमें 76 रन किए उसने, और अगर उसके रन आप निकालते तो इंडिया शायद कोलैप्स कर जाती, 125 पे आउट हो जाती विराट कोहली की वजह से, उसने एक एंड को होल्ड करके रखा और एंड पे उसने अच्छा फिनिश किया। ये होती है मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस, यही हम एक्सपेक्ट करते हैं बाबर आजम से, यही हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे ये यंग जो सैम अयूब को चांसेस मिल रहे हैं, यही एक्सपेक्टेशन है इनसे, लेकिन वो परफॉर्मेंसेस जो है ना हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। और उन लोगों का टीम में होना 7 प्लेयर्स का ये कोई ऐसी बात नहीं है, वो बेशक उनके 8, 9, 10 प्लेयर भी होते तो उनके टीम में आ सकते थे इंडिया के, क्योंकि उनकी टीम की प्लेइंग 11 कंप्लीट जो है ना वो एक ईच एंड एवरी जो प्लेयर है ना वो मैच विनिंग प्लेयर है उनका। यार जिस तरह की पाकिस्तान की टीम के परफॉर्मेंस है इनको तो टीम से निकाल देना चाहिए, ये क्या लग रहा परफॉर्मेंस किया, यूएसए से हार गया। अच्छा जो टीम यूएसए से हार जाए उसके बाद क्या कहते हैं टॉप 8 में क्वालिफाई ना करे, आपको अभी भी उम्मीद है कि वो टॉप 8 के अंदर ना भी जाए तो आईसीसी उनको अपने रैंकिंग में रखेगी, अपने टीम ऑफ द टूर्नामेंट के अंदर रखेगी। इनसे तो सख्त गुना अच्छा भाई राशिद खान है, पाकिस्तान की टीम से सबसे अच्छा रहमानुल्लाह गुरबाज है भाई, एटलीस्ट दे आर इन द टॉप 8 में गए हैं, टीम ऑफ द ईयर के अंदर आए हैं। रोहित शर्मा ने जिस तरह अपनी टीम को लीड किया वो पूरे वर्ल्ड को भी लीड कर सकता है, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को लीड कर सकता है। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, अर्शदीप सिंह, बुमराह भाई वर्ल्ड डिजर्विंग, मैं कहता हूँ ये भी अभी कम है, ये वाकई अभी कम है भाई। इंडिया को चाहिए था कि भाई अपनी वर्ल्ड 11 निकालते, आईसीसी ने तो उसका भी मुकाबला नहीं करना। पाकिस्तान की टीम साथ क्या करना चाहिए इनके साथ, जूतियाँ मारनी चाहिए इनको, जलील करवा के रखा हुआ बाबर के अलावा कार किसी को निकाल दो, इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो भाई। ये यूएसए खेलने नहीं गए थे, ये टूर पे गए थे, खेलने तो भाई इंडिया गई थी, ये लोग तो झग मारने गए हैं यार। जो टीम खेलने जाती है ना
वो जीत कर आती है और इंडिया ने प्रूव करके बताया कि 8x8 की स्ट्रीक लगा कर हम लोग वर्ल्ड कप कैसे लेकर आते हैं। यही मोमेंट था ना भाई जब एक ओवर के अंदर 16 चाहिए था और हारिस रोव ने यूएसए के खिलाफ चेज करवाया था, वही हार्दिक पांड्या ने जिसने फाइनल के अंदर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 16 स्कोर सेव किया था। तो हारिस रोव डूब के मर जा, वो ऑलराउंडर होके अपने प्लेयर अपनी टीम को बचा रहा और तू ऑल टाइम फास्ट बॉलर होके नहीं बचा पाया वो भी यूएसए के खिलाफ, लाना तो तेरे ऊपर यार। इतना गुस्सा आपको पाकिस्तान टीम के ऊपर? एक ओवर के अंदर 16 नहीं बचा पाए तो घंटे की टीम है, चैंपियन ट्रॉफी भी आगे आने वाली है, बड़ी कोटे पड़ रही है पाकिस्तान टीम। मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर रह के इंडिया आए पाकिस्तान और आ भी रही है, हमारे मुंह से ट्रॉफी छीन कर जाए और मैं कहता हूँ डूब के उसी ग्राउंड के अंदर इनको मैं दफनाऊंगा पाकिस्तान की टीम को कि भाई डूब के मर जाओ कि तुम लोगों के घर से आकर घर में घुस के मार के गए हैं। के बारे में बात करेंगे जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं, उन्होंने जो परफॉर्म किया वो मैच जिताया अपने टीम को इंडिया को, क्या कहेंगे इस बारे में? सर मैं तो यही कहूँगा इंडिया की बॉलिंग नहीं जादू है, जैसा जादू कलाकार हाथों से ऐसे ऐसे करके अगले बंदे को पता नहीं चलता। रात को मैच आपके सामने था साउथ अफ्रीका का, अक्सर लोगों ने हमने खुद देखना छोड़ दिया कि अभी इंडिया हार जाएगी, एकदम से बुमराह है वो मैच पलट गए उनकी ऐसे बॉलर। तो मैं यही कहूँगा बुमराह को सलूट है, मेरे दोनों हाथों से सलूट है और इंडियन पूरी टीम को, जैसे विराट कोहली पूरी मैच टूर्नामेंट में अपसेट रहा, एंड में आगे देख लो सारा गेम संभाल लिया, ऐसे प्लेयर होने चाहिए। दूसरी बात, उसने रिटायरमेंट का ऐलान किया, हमारे यहाँ ये बाबर आजम पिछले 10 साल से परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है वो, ना रिटायरमेंट का ना कोई कुछ ना कोई कुछ, तो खिलाड़ी हो तो इंडियन जैसे जैसे कि इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीती है, क्या कहेंगे इंडियन की टीम की जीत के बारे में जैसे उन्होंने इस T20 वर्ल्ड कप को जीत के लड़के जीता? जैसे जैसा करोगे ऐसा फर्क हो, उनकी मेहनत है, एफर्ट है, इतने बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग, वो कैच कैसे बड़ा पकड़ा सूर्या कुमार यादव ने, उस कैच की वजह से उसने ट्रॉफी लेके गया, अगर वो छक्का हो जाता तो वो हारना था। लेकिन कंट्रोवर्सी बनी हुई इसके ऊपर? नहीं, वो तो इतनी बड़ी टीम है इंडिया की, जैसे उनके पहले से ही अगर हिस्ट्री देखें तो बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं जा रहे हैं, इनको परवाह नहीं इंडिया को किसी भी टीम का। तो मैं ये इंडिया से जीतना चाहता तो इंडिया जीतेगा ना, जो मेहनत करता है वो जीत जाता है, मेहनत का फल अल्लाह ताला दे रहे, चाहे किसी भी टाइप का इंसान हो उसको अपना मेहनत का फल मिल जाता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में क्या कहेंगे? बस मैं तो यही कहूँगा कि वो लोग रिटायरमेंट नहीं देना चाहिए था, कि एक दो कप और खेल लेते फिर उसके बाद जो है ना रिटायरमेंट देना चाहे। इंडियन टीम की बॉलिंग के बारे में क्या कहें, स्पेशली हार्दिक पांड्या जैसे परफॉर्म किसके बारे में क्या कहें? हार्दिक पांड्या भी बहुत अच्छा बॉलर है और बैट्समैन, मुझे यह तो ये लग रहा था ये इस तरह की बॉलिंग नहीं करेगा, लेकिन एंड में आके उसने भी बहुत अच्छा ओवर किया, बहुत अच्छा जवाब साउथ अफ्रीका को उड़ा के रख दिया। क्या कहेंगे पाकिस्तान की टीम को, किसा क्या करना चाहिए कि ये ना तो क्या वर्ल्ड कप जीत पाए, ना ये जो है वो जो ICC ने रैंकिंग जारी की है 11 टीमों की उसमें इनका नाम आ पाया, क्या कहेंगे पाकिस्तान टीम को, फिर क्या करना चाहिए, क्या करें इनके साथ? सर सबसे पहली बात तो ये है ना, बाकी चीज़ें तो उनकी साइड पर हैं कि यार इनका पहली चीज़ तो ये है कि इनका स्किल लेवल ही वो नहीं है जो इंडिया का स्किल लेवल है, वो उस पर तो आप छोड़ दें, वो तो कम्पीट ही नहीं कर सकते ना, ये जो उनका स्किल लेवल है क्योंकि पाकिस्तान टीम का नहीं है, पाकिस्तान टीम का बिल्कुल नहीं है, वो प्लेयर्स का नहीं है। आपके पास एक प्लेयर आया इस एरा में जाके वो बाबर आजम आया और उसका लेवल भी आप देख लें कि क्रूशियल मोमेंट्स में जाके वो भी उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। हाँ नो डाउट बाबर आजम हमारा अच्छा प्लेयर है लेकिन वो उस लेवल पे नहीं गया अभी जहाँ पे कोहली जा सकता है, रोहित शर्मा जा सकता है, नर्व्स की गेम है ना, नर्व्स की गेम है। रोहित शर्मा ने आपको, आप विराट कोहली की बात करते हैं, इवन आप यकीन करें रोहित शर्मा जो है ना वो लेजेंड जो है ना वो उसमें शामिल होता है, उसकी परफॉर्मेंस आप देखें बिग मैच प्लेयर है वो भी, पाकिस्तान के स्किल लेवल नहीं है। सेकंड चीज़ ये है कि हमारे पास इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हैं, एज अ टीम हमारी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, इंडिविजुअल लेवल पे आप परफॉर्मेंसेज देंगे आप कहेंगे जी शाहीन ने आज अच्छा परफॉर्म कर दिया, 3 विकेट ले लिए, आज बाबर आजम ने अच्छा कर दिया, किंग ने कर दिया, यार उसके अलावा भी प्लेयर हैं, हम हमारा आजम खान क्या कर रहा है, उनका मिडिल ऑर्डर देख लें, उनका लोअर मिडिल ऑर्डर देखें, हमारा इफ्तिखार क्या कर रहा है वहाँ पे, हार्दिक पांड्या क्या कर रहा है, हमारा यहाँ पे शादाब क्या कर रहा है, वहाँ पे अक्षर पटेल क्या कर रहा है, हमारे यहाँ पे स्पिनर कोई नहीं है हमारे, उनके पास हमारे यहाँ इमाद वसीम है, वहाँ पे हम देखें उनका कुलदीप यादव है, उनका बुमराह है, हमारा शहीन, लेकिन वो आप मैच टू मैच 1-1 भी देखें ना तो हमारी बॉलिंग और हमारी बैटिंग जो है ना उनके लेवल पे नहीं है, स्किल सेट ही बहुत कम है। बिल्कुल, तो जैसे कि पाकिस्तानी टीम जो है वो वर्ल्ड में अपना नाम खराब कर चुकी है वेस्ट टाइम, क्या क्या इनको करना चाहिए, क्या इनको इनके लिए आपका जो है वो जो है आइडियाज इनके लिए जनरेट करते हैं कि ये कुछ कर पाए, टीम में अपना नाम बना पाए, दुनिया में नाम बना पाए और पाकिस्तान का नाम रोशन कर पाए जैसे इंडिया टीम ने किया, इंडिया का नाम रोशन किया वर्ल्ड चैंपियन में? इस पे ना अब टाइम लगेगा इन लोगों को दोबारा से, ये चीज़ें, एक तो सिस्टम हमारा इस तरीके का, यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है साथ ही हमारा बोर्ड का चेयरमैन चेंज होकर साथ ही कैप्टन चेंज हो जाता है, ये हमारा सिस्टम है, वहाँ पर इस तरह से नहीं होता, वो एक लंबा रन देते हैं, राहुल द्रविड़ को उन्होंने पूरा टाइम दिया है, उन्होंने एक वर्ल्ड कप लूज किया, उन्होंने पूरा टाइम दिया, उन्होंने कहा भाई आप खेलो वो वर्ल्ड कप जीत गए, हमारा ये है कि यंग लॉर्ड को ले
लेकर आए, यंग प्लेयर्स को लेकर आए, उन पे इन्वेस्ट करें और चैंपियन ट्रॉफी आ रही है आगे। अब ऑप्शन नहीं है, फंस गए हैं आप लोग, हम लोग फंस गए हैं। चैंपियन ट्रॉफी में कोई ऑप्शन नहीं है, इंडिया के पास तो जो टीम है, हमारे पास कौन सी टीम है? उनकी यही टीम है, एग्जैक्ट टीम है, और अगले साल वो देखिएगा ऐसी वो पाकिस्तान आएंगे और वो एक आप कह लें कि उनकी वो टॉप लेवल पे होंगे, वो फिर वो विनिंग पोजीशन में होंगे। इधर ही पाकिस्तान इंडिया का मैच होपफुली होगा, गद्दाफी स्टेडियम में मैच इनका होगा चैंपियंस ट्रॉफी का, तो वो इंडिया का अपर हैंड रहेगा, वो हमेशा रहेगा, वो जीत भी सकता है पाकिस्तान से। एग्जैक्टली 100%, क्योंकि वो जितना लंबा फॉर्मेट करते जाएंगे इंडिया का और ज़्यादा अपर हैंड होता चला जाता है उस चीज़ में। पाकिस्तान को T20 में एक चांस था, अभी एक 120 पे उनको आउट करके अगर वो मैच नहीं आप जीत सके ना सर, तो फिर आपका मदद के साथ बहुत मुश्किल है कि आप इंडिया को किसी भी लेवल पर हरा सकें।